पे कर रही थी किचन की सफाई, क्योंकि क्या है मैं बहुत दिनों से जल्दी नहा लेती थी मॉर्निंग में, और यहाँ पे नवरात्रि भी चल रही थी इसलिए मैं जल्दी सफाई नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जो हमारा घर है जस्ट रोड के किनारे है तो बहुत सारा धूल वगैरह आ जाता है, तो बस मैं यहाँ सबकी सफाई कर लूँगी। तो ये मॉर्निंग में सिलेंडर भी आ गया नहीं था, तो बेटा अभी देखिए इधर आ जाओ, कोविड के पापा कारण वॉश कर कैसे रहे हैं हमें ना इसे उसे। वॉश करना पड़ रहा है। आई होप आप लोग भी ये हैं सब सेफ्टीज का ध्यान रखते होंगे। तो यहाँ पे नहीं हम भी इसको बेटा वॉश कर अभी रहे थे, वॉश साथ करने दो। सैनिटाइज़र यूज़ नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा डर रहता है ना इन सब चीज़ों में सैनिटाइज़र यूज़ करने में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और आप सब लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली है, सफाई हो गई घर की, और किचन बहुत गंदा हो रखा था तो बस आज मैंने उसको भी वॉश पूरा क्लीन किया है सारी चीज़ें। और बस अब मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद मैं जाऊँगी खाना बनाऊँगी। नाश्ते में तो मैंने आज ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था, बस थोड़ा बहुत चाय के साथ स्नैक्स ले लिए थे सबने, तो बस डायरेक्ट लंच ही बनाऊँगी। और अभी आप देख सकते हो कि मेरे अभी लेफ़्ट साइड में थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग है। मैं प्रॉपरली अभी बोल बोल तो सकती हूँ, पर फिर भी यहाँ एक्चुअली इधर वो बहुत ज़्यादा पेन है, तो देखते हैं कब तक मैं ठीक होता है, बस जल्दी ठीक हो जाए। और बस अभी बस मैं जाती हूँ खाना बनाती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से किचन में। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी खाना। तो देखिए मैंने दाल बना ली थी, और दाल बनाने के बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, और सब्ज़ी में हाँ मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चावल, बस इतना ही बनाऊंगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने अपना किचन कैसे क्लीन किया है, मेरा छोटा सा किचन। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। फिर मैं कट कर ली थी भिंडी, और ये मैंने कट कर लिया ऑनियन, और ऑनियन ने मुझे पूरी तरह भुला दिया है। तो बस अब मैं जा रही हूँ उसकी सब्जी बनाने। ये बताओ इतनी गर्मी में कौन नहाता है गर्म पानी से? उठूँ बताओ कौन नहाते इतनी गर्मी में इतने गर्म पानी से? उठो बताए, रो नहीं, उठो उठो, रो क्यों रही है बताओ? अच्छा रो, रो क्यों रही है? गर्म पानी के लिए रो रही हो? तो ये है मेरा किचन, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा और एडवांस चीज़ें नहीं है मेरे किचन में, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल की चीज़ें हैं। क्योंकि हमारा कुछ डिसाइड नहीं था भोपाल में रहने का, और मैं कभी ध्यान भी नहीं देती थी, सिर्फ मैं यूज़ की चीज़ें ही अपने पास रखी हूँ, क्योंकि हमारा कुछ और प्लान है। अभी जैसे ही वो पॉसिबल होगा तो मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो बस जैसा था मैंने आपको दिखा दिया, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे बना रही थी अमचूर की चटनी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच अमचूर लिया है, अमचूर पाउडर। उसके बाद इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें मैं थोड़ा सा मिलाऊँगी शुगर। और शुगर मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम ले लेंगे ग्रीन चिली, और यहाँ पे मैंने लिया है धनिया की पत्ती। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इसको अच्छे से हम पीस लेंगे, तो ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अभी फ्री हो गई थी मैं, लंच कर लिया था हमने, और मैं सोच रही थी बहुत दिनों से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड किए थे, तो आज मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी। और कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होता जा रहा है। तो इतनी गंदी गंदी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, इतनी बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं कोविड को लेकर के। कोविड बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है। और अब तो मतलब ये कि पहले तो अपन दूसरों का देख रहे थे, सुन रहे थे, बट अब अपने आसपास के लोगों में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब कल तो मैंने एक न्यूज़ जो सुनी, इतनी शॉकिंग थी मेरे लिए, मैं यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमारी ही स्कूल की एक टीचर थी, तो वो कोविड के कारण नहीं रही हैं। जब से सुना है इस न्यूज़ को तब से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब कोई जिसी के साथ आप थे, साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था,
वो इंसान नहीं है जब आपके साथ, उसकी यादें सिर्फ आपके साथ हैं, तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, सबसे ज़्यादा शॉकिंग वही लगता है। तो हे भगवान, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो, किसी को किसी से मत छीनो, सबको उनके पास रहने दो। बस यही प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी से इस कंडीशन से हम सबको बाहर निकालिए। कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। यहाँ पे कर रही हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए।